गुड मॉर्निंग। हम लोग इन्फ्लेशन पढ़ रहे थे, है ना। हमें इन्फ्लेशन का डेफिनेशन बता दिया था, और इन्फ्लेशन क्या हुआ है, क्या है, और डिफ्लेशन क्या है, और डिस इन्फ्लेशन क्या है, ये भी मैं बता दिया था, ठीक है, पिछले क्लास में। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन इट इज द इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस। इट इज द इंक्रीज इन द जनरल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस इन एन इकोनॉमी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन, ठीक है। और इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या है, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द वैल्यू ऑफ द मनी डिक्रीजेस एंड द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी डिक्रीजेस, ये मैं बताया था, ठीक है। इन्फ्लेशन से क्या होता है, आपका जो परचेसिंग पावर होता है मनी का वो कम हो जाता है, और आपका जो रियल वैल्यू ऑफ मनी वो भी डिक्रीज हो जाता है कंपेयर टू आपका प्रोडक्ट, ठीक है। और उसके बाद बताया था डिफ्लेशन क्या है। डिफ्लेशन उसका ऑपोजिट होता है इन्फ्लेशन का। इट इज द डिक्रीज इन द जनरल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस इन एन इकोनॉमी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड टाइम में अगर आपका प्रोडक्ट का या कमोडिटीज का प्राइस सस्टेन फॉर्म में डिक्रीज करता जाएगा, तो उस कंडीशन को हम इकोनॉमी में क्या बोलेंगे, डिफ्लेशन बोलेंगे, ठीक है। और एक टर्म यूज किया था मैं डिस इन्फ्लेशन करके। डिस इन्फ्लेशन क्या है, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आपका एक पर्टिकुलर वैल्यू पे चल रहा है, जैसे मान लो कि 6% इन्फ्लेशन चल रहा है, अगर वो डिक्रीज होता है, मतलब 5% होता है, फिर 4% हो जाता है, तो जब डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है, आपका प्रोडक्ट का कमोडिटीज का प्राइसेस डिक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका इन्फ्लेशन का रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिक्रीज हो रहा है। तो वो जो डिक्रीज होता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन उसको बोलते हैं डिस इन्फ्लेशन। दैट इज नॉट डिफ्लेशन, नहीं है वो डिस इन्फ्लेशन है, मतलब डिक्रीज इन द रेट ऑफ राइज ऑफ इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन डिक्रीज होता है रेट, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिस इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन्फ्लेशन, डिस इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ये एक ग्राफ है छोटा सा मैं बनाया हूं, आप देख सकते हो, ये 0% है इन्फ्लेशन रेट, ये -1% है, ये 1% है, ठीक है। शुरू में क्या होता है, इन्फ्लेशन ये चल रहा है, आपका रेट ऑफ राइज हो रहा है इन्फ्लेशन का, ठीक है। फिर वहां से क्या हुआ, इन्फ्लेशन घटता गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया 0 पे, मतलब ये जो जोन है, ये जो जोन है, ठीक है, ये जो जोन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका इन्फ्लेशन डिक्रीज करते जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डिस इन्फ्लेशन। इतने पार्ट को हम बोलेंगे डिस इन्फ्लेशन, ठीक है। यहां से फिर नीचे चला गया, मतलब और वैल्यू और प्राइस का कमोडिटीज का प्राइस डिक्रीज होता गया, तो वो नेगेटिव इन्फ्लेशन में चला गया, मतलब यहाँ पे डिफ्लेशन चालू हो गया, तो इस जोन को हम बोलेंगे डिफ्लेशन, ठीक है। ये हो गया आपका इन्फ्लेशन, ठीक है, ये इन्फ्लेशन, डिस इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ठीक है, समझ में आया, तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब ये इन्फ्लेशन होता क्यों है, इसका मेनली तीन रीजंस बताया गया है। पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड तीसरा है बिल्ट इन इन्फ्लेशन, ठीक है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, डिमांड और सप्लाई आप लोग जानते हो, एक डिमांड होता है, एक सप्लाई चेन होता है, ठीक है। अगर कोई भी चीज का, प्रोडक्ट का, कमोडिटीज का डिमांड अचानक से बढ़ जाएगा, है ना, डिमांड बढ़ते गया, तो डिमांड बढ़ जाएगा तो क्या हुआ, लोग ज्यादा खरीदेंगे उस चीज को, है ना, ज्यादा खरीद रहे तभी डिमांड बढ़ रहा है, और डिमांड बढ़ते जाएगा, आपका अगर सप्लाई उतना ही है ना, आप सप्लाई प्रोडक्शन उतना ही कर रहे हो, बट डिमांड उतना बढ़ते जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, उस चीजों का प्राइस राइज करते जाएगा, ठीक है। आपका प्रोडक्शन क्वांटिटी सेम है, प्रोडक्शन सेम है, बट आपका डिमांड अगर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है ना, डिमांड बढ़ते जाएगा तो क्या होगा, उस चीज का शॉर्टेज होने लगेगा, और आपका प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, प्राइस धीरे धीरे राइज करते जाएगा, वो जो इन्फ्लेशन होगा, प्राइस राइज मतलब इन्फ्लेशन होगा, दैट इन्फ्लेशन इज ड्यू टू व्हाट, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब आपका डिमांड खींच रहा है ना, आपका डिमांड की वजह से क्या हो रहा है, आपका जो इकोनॉमी में जो प्राइसेस है वो बाकी कमोडिटीज का राइज करते जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है, समझ में आया। आपका प्रोडक्शन सेम है बट डिमांड इज इंक्रीजिंग, ड्यू टू व्हिच द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज और द गुड्स आर इंक्रीजिंग इन अ सस्टेन पीरियड, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, है ना, वो डिमांड की वजह से हो रहा है। दूसरा क्या है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, है ना, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है, जैसे कॉस्ट है ना, मान लो ये कि छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मान लो पेन है ना, इस पेन का प्राइस है 50 रुपीज, ठीक है, इस पेन का प्राइस है 50 रुपीज, इसको जो मेकिंग कॉस्ट है इसका, है ना, इसका जो बनाने के लिए जो कॉस्ट है मान लो 40 रुपीज है, तो प्रॉफिट 10% को रख रहा है, टोटल प्राइस 40 50 में बेच रहा है। अगर मान लो इसका इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा, कैसे
कैसे बढ़ जाएगा? मान लो इसका रॉ मटेरियल जो जिससे बन रहा है वो रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाएगा, है ना, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, आपको उसे बनाने के लिए ज्यादा पैसा लगेगा। मान लो 45 रुपीज होगा तो वो तो 50 में बेचेगा नहीं, और 5 रुपया बढ़ा देगा तो क्या होगा, 55 रुपया हो गया, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इसका प्राइस राइज हो गया। तो जो इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो इन्फ्लेशन होता है ना, जो इनपुट कॉस्ट बढ़ने के लिए जो इन्फ्लेशन होता है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट ने पीछे से धक्का दे रहा है कि नहीं रेट बढ़ाओ बढ़ाओ करके, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसमें क्या हो रहा है, आपका जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ जा रहा है। मान लो कि इस पेन को बनाने के लिए मेरे कंपनी में 10 लोग हैं, है ना, 10 लोग बना रहे हैं इसको, है ना, और उनका सैलरी पर महीने 1000 रुपये है। अगर उनका सैलरी बढ़ गया, उनका सैलरी बढ़ा दिया गया 500 500, 1500 1500 कर दिया गया, तो अभी क्या हुआ, उसको बनाने के ज्यादा कॉस्ट लग रहा है, क्योंकि मैन पावर जो आपका सैलरी दे रहे लोगों को उनका भी जुड़ रहा है इसमें, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका इनपुट इनपुट कॉस्ट फिर से बढ़ गया। तो उसको कंपेंसेट करने के लिए क्या करोगे, फिर इसका इसका रेट बढ़ाओगे। तो जो भी इनपुट कॉस्ट बढ़ाता है, जो जो चीजें जैसे आपका मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, आपका वेजेस हो गया लेबर का, वो भी इंक्लूड होता है, तो वो सबको अगर आपका इनपुट कॉस्ट में आता है, अगर वो इनपुट कॉस्ट बढ़ते जाएगा तो आपका जो प्रोडक्ट का वैल्यू या कमोडिटीज का वैल्यू धीरे धीरे राइज करते जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन क्रिएट होगा इकोनॉमी में, उस इन्फ्लेशन को हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। या ये भी हो सकता है, मान लो कोई नेचुरल कैलामिटी आ गया, ठीक है, नेचुरल कैलामिटी आ गया, आपको जो रॉ मटेरियल इसके लिए चाहिए था वो आपको मिल नहीं पाया, ठीक है, तो आपको मिल नहीं पाया तो क्या आपको शॉर्टेज हो गया, तो शॉर्टेज होने की वजह से क्या होगा, रॉ मटेरियल जो भी अवेलेबल है मार्केट में उसका रेट बढ़ जाएगा, है ना, उसका रेट बढ़ने से क्या होगा, ऑटोमेटिक ऐसा इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपका आपका जो इन्फ्लेशन मतलब आपका जो प्राइस है वो भी बढ़ने लगेगा, उस प्राइस बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपका इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगा, ठीक है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। इसीलिए इसको बोलते हैं सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन भी बुलाया जाता है। मतलब सप्लाई में अगर शॉर्टेज हो गया, सप्लाई बंद हो गया कोई भी चीज का, है ना, चीजों का सप्लाई बंद हो गया, आपका नेचुरल मान लीजिए कोई बड़ा सा भूकंप आ गया किसी एरिया में, तो वहां पे जो आपका रॉ मटेरियल आ रहा था वो आना बंद हो गया, तो ऑटोमेटिक आपका जो इनपुट जो मटेरियल चाहिए इसके लिए आपका घट गया, तो जो भी अवेलेबल है मार्केट में उसका इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा, उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो आपको जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसका भी ऑटोमेटिक कॉस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ने से जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका भी प्राइस राइज करेगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगा। दैट इन्फ्लेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। समझ में आया, डिमांड पुल में क्या होता था, डिमांड बढ़ता था, सप्लाई फिक्स था, आपका डिमांड बढ़ता था, आपका प्रोडक्शन कॉन्स्टेंट था, पर डिमांड बढ़ने की वजह से क्या होता था, आपका कमोडिटीज जो भी प्रोडक्ट्स है उसका प्राइस बढ़ते जा रहा था इकोनॉमी में, उस बढ़ने की वजह से क्या हो रहा था, एक इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा था इकोनॉमी में, दैट इन्फ्लेशन वॉज कॉल्ड एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। लेकिन कॉस्ट पुश में क्या होता था, इनपुट कॉस्ट आपका बढ़ते जा रहा था, इसकी वजह से क्या हो रहा, आपका जो प्राइसेस है कमोडिटीज का वो बढ़ते जा रहा था इकोनॉमी में, दैट इज व्हाई एक इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा था, उस इन्फ्लेशन को हम लोग क्या बोल रहे थे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसके कॉस्ट की वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट कर रहा है, वहां पे डिमांड की वजह से हो रहा है, ठीक है। और एक इन्फ्लेशन बोलते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन। बिल्ट इन इन्फ्लेशन क्या है, मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन है ना, छोटा सा एग्जांपल देके बता रहा हूं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते ना, तो जो बाहर जो सब जो हम लोग जो डेली प्रोडक्ट खरीदते हैं, हम लोग कंज्यूम करते हैं, उसका प्राइस मतलब बढ़ा हुआ है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारा सैलरी बढ़े, हम डिमांड ये करते हैं कि कंपनी के ओनर से कि हमारा सैलरी बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ, बेसिक बढ़ाओ, डीए बढ़ाओ, है ना, तो सैलरी बढ़ेगा तो हम क्या कर सकते हैं, उस चीजों को परचेज कर सकते हैं, हमारा जो नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ है आराम से कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, उसके ऊपर प्रेशराइज होता है, तो वो क्या करेगा, वो सैलरी मान लो राइज भी करता है ना, सैलरी बढ़ाता भी है, तो सैलरी बढ़ा रहा है जो है ना, अपने एम्प्लॉइज का सैलरी बढ़ा रहा है, तो क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, जो प्रोडक्ट बना रहा है उसका इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है ना, प्रोडक्ट का इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है, तो उस इनपुट कॉस्ट को बढ़ाने के लिए को कंपेंसेट करने के लिए क्या करेगा, जो प्रोडक्ट वो निकाल रहा है उसका कॉस्ट बढ़ाएगा, ठीक है, उसको कंपेंसेट करने के लिए, तो क्या फिर से बाहर का प्रोडक्ट, फिर से वो जो आउट प्रोडक्ट बाहर आ रहा है उसका भी कॉस्ट बढ़ रहा है, धीरे धीरे क्या होता है, ये एक साइकिल हो जाता है, एक तो डिमांड हो रहा है प्रोडक्शन मतलब सैलरी बढ़ाने के लिए, उस सैलरी बढ़ा भी दे तो उसका सैलरी उसको कंपेंसेट करने के लिए उसे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना पड़ रहा है, तो इकोनॉमी में क्या होता है, ऐसे लार्ज इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तो अगर ऐसा चलेगा तो क्या होगा, एक साइकिल बनेगा, है ना, एक साइकिल बनेगा जिसमें कि आपका डिमांड होता रहेगा सैलरी राइज के लिए,
डिमांड फुलफिल भी हो जाएगा तो क्या होगा, अपोजिट साइड में आपका प्रोडक्ट का प्राइस भी धीरे धीरे राइज करता जाएगा, ठीक है। तो वो एक इन्फ्लेशन क्रिएट हमेशा रहेगा ही, दैट इन्फ्लेशन इज कॉल्ड एज बिल्ट इन इन्फ्लेशन। समझ में आया? तो ये तीन प्रकार का मेनली इन्फ्लेशन अभी रीजन है, वह एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और बिल्ट इन इन्फ्लेशन, ठीक है, समझ में आ गया। अब इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे करोगे, ये तीन वे में कंट्रोल कर सकते हो। पहला डिमांड साइड से, दूसरा है आपका सप्लाई साइड से, ठीक है। डिमांड साइड से सब कैसे कंट्रोल कर सकते हो, जो डिमांड है उसको अगर आप कंट्रोल कर लोगे तो ऑटोमेटिक आपका प्राइसेस डिक्रीज कर जाएगा, है ना। तो डिमांड को अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो आपका ऑटोमेटिक आपका इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, तो प्राइसेस फिर डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। डिमांड है तभी प्राइस राइज है, अगर डिमांड ही नहीं रहेगा तो प्राइस ऑटोमेटिक घट जाएगा, वो एक कर सकते हो। सप्लाई साइड से कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा दो, अगर आपका आपका प्रोडक्शन कम है इसीलिए आपका प्राइस राइज होते जा रहा है, इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है, अगर हम सप्लाई ही बढ़ा देंगे, प्रोडक्शन ही बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका इन्फ्लेशन डिक्रीज हो जाएगा। जो ये मैं बोला ना डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या और क्या बताया था कि डिमांड बढ़ने की वजह से आपका प्राइस राइज हो रहा है ना, सप्लाई कॉन्स्टेंट है ना। इसका और एक थ्योरी भी दिया जाता है, जैसे क्या है इसका थ्योरी, सप्लाई ऑफ मनी इफ इंक्रीज इन एन इकोनॉमी दैट ऑल्सो कॉजेस डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मतलब अगर आपका इकोनॉमी में पैसा का फ्लो बढ़ जाएगा, है ना, इफ इट इंक्रीज द फ्लो ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी दैट विल ऑल्सो क्रिएट डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कैसे, मान लो कि आपका प्रोडक्शन कॉन्स्टेंट है, आपका सप्लाई उतना ही है, ठीक है, और आपका जो अभी पे रिविजन हो गया, सबका सैलरी बढ़ गया, है ना, दुगुना डबल हो गया सैलरी, तो डबल हो गया मतलब होने से क्या होगा, आपके पास सबसे ज्यादा पैसा बहुत ज्यादा आ गया, ठीक है, सारे लोग पैसे आ गए। पहले हम लोग जितना खर्च करते थे अब ज्यादा खर्च करेंगे, पहले हम लोग दो पैंट खरीदते थे अब तीन पैंट खरीदेंगे, चार पैंट खरीदेंगे, है ना। तो पैसे ज्यादा आएगा तो क्या होगा, आपका परचेसिंग पावर बढ़ेगा, आप ज्यादा परचेस करोगे, लेकिन आपके उस साइड क्या हो रहा है, अदर साइड आपका प्रोडक्शन वही है। तो क्या सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, हम लोग का जो डिमांड है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग और ज्यादा खरीद रहे हैं चीजों को, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपका पैसा ज्यादा आ गया आपके पास। पहले आपका कम पैसा था तो आप कम खर्च करते थे, कम चीजें खरीदते थे, आपका जरूरतें कम थी, अब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया तो आपके क्या होगा, आप जरूरतें बढ़ जाएगा, आप बहुत सारी चीजें खरीदने लोगे, आप जो एक चीज खरीदते थे आप दो चीजें खरीदने लोगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका एक ऑटोमेटिक डिमांड क्रिएट हो जाएगा बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ मनी, दैट एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ मनी क्रिएटेड व्हाट, इन्फ्लेशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। एक्स्ट्रा मनी सप्लाई करने से भी, सप्लाई होने से भी इकोनॉमी में आपका इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी वही है, अगर आपका एक्स्ट्रा मनी सप्लाई आएगा, एक्स्ट्रा पैसा आएगा, इसकी वजह से भी आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्रिएट हो, ठीक है। ये दोनों, ये भी लेटेस्ट जो हम लोगों का जो थ्योरी है वो अभी थ्योरी बता रहा, पहले क्या आता था डिमांड की वजह से बता रहा था, लेकिन क्या अभी हम लोग ज्यादा पैसा मनी आने से, मार्केट में ज्यादा पैसा बढ़ने से भी डिमांड ज्यादा बढ़ेगा, और डिमांड ज्यादा बढ़ेगा तो आपका इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। कैसे कंट्रोल कर सकते हो, डिमांड साइड में डिमांड को डिक्रीज करो, डिमांड तो आप डिक्रीज कर ही नहीं सकते, डिमांड डिक्रीज नहीं कर सकते, कैसे कर सकते, हमको लगे नहीं हम खरीदेंगे कैसे होगा, तो डिमांड कम करना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो एक्स्ट्रा फ्लो मनी है उसको कम कर सकते हैं इकोनॉमी में, अगर उसको कम कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका डिमांड कम हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक है, वो एक जैसे बोलते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी, इसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी जो आता है आरबीआई का, कैसे मार्केट में पहने के मनी का फ्लो कंट्रोल होता है ना, तो आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी आता है उससे वो कंट्रोल करता है द फ्लो ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी। जितना मनी को ज्यादा होगा आपको उतना डिमांड बढ़ेगा, उतना ज्यादा इन्फ्लेशन होगा, और बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है तो आपका मनी का फ्लो कम कर दो, तो वो कैसे होता है, मॉनेटरी पॉलिसी से होता है, इसके लिए अलग से हम लोग एक क्लास में पढ़ेंगे। या फिर आप क्या कर सकते हो, सप्लाई साइड में आपका प्रोडक्शन बढ़ा दो, वो भी एक क्राइटेरिया, वो भी एक तरीका है आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का। या फिर आप क्या कर सकते हो, ये हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट में आपका जो इनपुट कॉस्ट है उसको डिक्रीज कर दो,
है ना, इनपुट कॉस्ट को डिक्रीज कर दो, कैसे होगा? जैसे मान लो सरकार ने वो टैक्सेस वैक्सेस लगाया है ना, उसको कम कर दो, ठीक है, तो ऑटोमेटिक प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं जैसे कि हम लोग इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, कितने प्रकार के इन्फ्लेशन होते हैं, है ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना, ये पूरा कंसेप्ट है, अच्छे समझ जाओगे एक बार तो भूलोगे नहीं, ठीक है। थैंक यू।